सो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर वन ऑफ चैप्टर थर्टीन गिवन बिलो इज़ अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हॉबीज इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये एक पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर का हमें ग्राफ बना हुआ है रिप्रेजेंटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट हॉबीज ठीक है कितने बच्चों को कौन सी कौन सी हॉबीज़ पसंद है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टडी इट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो तो देखिए आप पिक्टोग्राफ को कैसे समझेंगे पेंटिंग एक हॉबी है ठीक है अब ये जो स्माइलीज बनी हुई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वन स्माइली स्टैंड फॉर फाइव चिल्ड्रेन यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे ये एक स्माइली जो है पांच बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ पे कितनी स्माइलीज हैं पेंटिंग में फाइव स्माइलीज हैं तो फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव मतलब ट्वेंटी फाइव चिल्ड्रेन को पेंटिंग करना पसंद है सिमिलरली डांसिंग कितने बच्चों को पसंद है एक स्माइली फाइव रिप्रेजेंट कर रही है इन टू थ्री स्माइलीज दिए दैट इज फिफ्टीन चिल्ड्रेन लाइक टू डांस ओके या डांसिंग उनकी म्यूज़िक है सिमिलरली म्यूजिक वन स्माइले दिए माने फ़ाइव चिल्ड्रेन को पसंद है क्राफ्ट टू स्माइली दिए यानी टेन चिल्ड्रेन को पसंद है इस तरीके से आप यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे कि पेंटिंग ट्वेंटी फाइव को पसंद है डांसिंग फिफ्टीन को पसंद है म्यूजिक फाइव को पसंद है एंड क्राफ्ट टेन स्टूडेंट्स को पसंद है ओके okay, और ये स्माइलीज भी बनाएंगे एंड ऐसे ही लिखेंगे नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं विच हॉबी इज़ मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी हॉबी है तो जिसको सबसे ज़्यादा बच्चे लाइक कर रहे हैं या सबसे ज़्यादा बच्चों की जो हॉबी है दैट इज़ पेंटिंग ठीक है क्योंकि ये ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स की हॉबीज़ है विच हॉबी शोज फाइव चिल्ड्रेन कौन सी हॉबी जो है वो फाइव चिल्ड्रेन रिप्रेजेंट कर रही है सो इट इज़ म्यूजिक ठीक है ये एक स्माइली फ़ाइव स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है या फाइव चिल्ड्रन को हाउ मच मोर चिल्ड्रन लाइक क्राफ्ट टू म्यूजिक हाउ मच मोर मतलब कितने ज़्यादा बच्चों को क्राफ्ट पसंद है एज़ कम्पेयर टू म्यूजिक ठीक है तो म्यूजिक पाँच बच्चे पसंद करते हैं और क्राफ्ट दस बच्चे पसंद करते हैं तो इनका डिफरेंस कितना हो गया टेन बच्चों को क्राफ्ट पसंद है माइनस फाइव बच्चों को म्यूजिक पसंद है तो पाँच बच्चे ऐसे ज़्यादा हैं तो योर आंसर विल बी फाइव विच इज लीस्ट पॉपुलर लीस्ट यानी होती है सबसे कम पॉपुलर कौन कौन सी है तो म्यूजिक इज द लीस्ट पॉपुलर क्योंकि ओनली फाइव स्टूडेंट्स लाइक इट या फाइव स्टूडेंट्स की हॉबी है नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज अली सैम एंड रितु मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल्स दिस स्ट्रिप्स आर शोन ये अली सैम और रितु तीन बच्चे हैं इनकी पेंसिल का इन्ह ये यह बायोग्राफ शो किया कि अली की पेंसिल ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग है सैम की फोर्टीन सेंटीमीटर एंड रितु की थर्टीन सेंटीमीटर सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ रितुज पेंसिल इज लेस और मोर देन सेम्स पेंसिल सेम की पेंसिल से रितु की पेंसिल जो है वो लेस है या मोर है तो देखिए सैम की पेंसिल फोर्टीन है और रितु की पेंसिल थर्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग है तो हमें कंपेयर किसका करना है ऋतु का सेम से कंपेयर करना है तो ऋतु की जो है वो लेस है देन सेम्स पेंसिल ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अली हैज द डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट पेंसिल सबसे छोटी किसकी है ट्वेल्व सेंटीमीटर वाले की दैट इज अली की देन डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट पेंसिल सबसे बड़ी किसकी है सैम की तो सैम हैज द लॉन्गेस्ट पेंसिल नाउ लास्ट इज डैश पेंसिल इज लॉन्गर देन डैश बट शॉर्टर देन डैश अब किसकी पेंसिल किसी एक से बड़ी है बट एक से छोटी है तो देखिए बीच वाला जो है ऋतु इसकी अली से तो बड़ी है बट सैम से छोटी है तो आप कैसे लिखोगे रितुज पेंसिल इज लॉन्गर देन अलीस अली की पेंसिल से तो रितु की पेंसिल बड़ी है लॉन्गर है बट शॉर्टर देन सैम्स सैम की पेंसिल से छोटी है तो रितु ही ऐसी है जिसकी एक से बड़ी और एक से छोटी है इसलिए हमने रितु का नाम पहले लिखा कि रितुज पेंसिल इज लॉन्गर देन अलीस पेंसिल ठीक है अली से तो बड़ी है बट शॉर्टर देन सैम्स सैम की पेंसिल से छोटी है ओके ये दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से ड्रॉ करके और क्वेश्चन के नीचे आंसर करके अच्छे तरीके से लिखिए अपनी कॉपी में